मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बट बाकी लोग को भी देखना चाहिए, और उनके घर में जो मतलब शादीशुदा है उनको तो इन स्टोरी से कुछ ज़्यादा समझ में आएगा, और मुझे तो अच्छा लगा। ओके, ये जो स्टोरी है एकता कपूर एक कुछ नया पेश कर रही है, सो आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस स्टोरी के बारे में, आपको कितना पसंद आया? मुझे तो कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा, बाकी जो मैरिड मुझे गर्ल्स है ना उनको देखना चाहिए स्टोरी, उनको अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से तो। ओके, इस स्टोरी में बहुत डिफरेंट दिखाया जा रहा है साइड, सो उस साइड से आप कितना एग्री करती हैं? मुझे तो अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको? हाँ। ओके, यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सत्यदीप मिश्रा और प्रिया मणि राज का परफॉर्मेंस, प्रिया मणि उन्होंने तो कुछ ज़्यादा अच्छा एक्ट किया है, उनके एक्ट तो मतलब बोल ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा उन्होंने अच्छा कर दिया इस स्टोरी में। ओके, सो इस वेब सीरीज में और क्या कुछ है आगे देखने के लिए, आप एक्साइटेड हैं कि जिस अभी तो 25 को अभी ट्रेलर आया 25 को देखो, मेरे को जो तो अच्छा लगा, बाकी लोग को भी ज़्यादा पसंद आएगा इस स्टोरी मेरे ख्याल से। सो आप 5 में से कितने पॉइंट्स देंगे या फिर स्टार देंगे? मैं तो 5 में तो 4 दूंगी और स्टार भी 4 ही देना चाहती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, वेलकम। सो ये जो स्टोरी की ट्रेलर आपको कैसी लगी? स्टोरी तो बहुत अच्छी है, प्रिया मणि की एक्टिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगी, बिकॉज मुझे पसंद है वो बेसिकली, बट मुझे वो गेज का जो दिखा है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं सपोर्ट नहीं करती बेसिकली उनको। क्यों नहीं सपोर्ट करती है, एक नए तरीके के स्टोरी नहीं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रभु ने बनाया, जो गॉड ने बनाया, वो एक मेल के लिए फीमेल को बनाया है, तो आप मेल के लिए मेल का कनेक्शन नहीं कर दिखा सकते ना, तो मेरे हिसाब से वो गलत है। ओके, एक नेचुरल फीलिंग भी होती है जो गे की होती है, वो भी नेचुरल ही मानी जाती है कि प्रभु उनको भी ऐसा ही बनाया। नहीं, बट जो नेचर है उसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते, नेचर के अगेंस्ट अगर आप जाओगे तो आप खिलवाड़ करोगे, उसका नतीजा दिख रहा है। सो मैं सपोर्ट नहीं करती, इसलिए मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा नहीं लगा, बट हाँ एक्टिंग वाइज सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, सुपर एक्टिंग है। ओके, सो आप इस वेब सीरीज को देखना पसंद करेंगी? मैं लाइक एक्टिंग वाइज अगर मैं मेरी फेवरेट्स हैं उसमें तो मैं ऑब्वियसली देखना चाहूँगी, बट बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करूँगी। ओके, आपकी फेवरेट कौन है इस स्टोरी में? मुझे प्रिया मणि एक्चुअली बहुत पसंद है, मैं उनकी बहुत सारी मूवीज़ देख चुकी हूँ, सो प्रिया मणि। ओके, सो कितने स्टार दूंगी आप 5 में से इस ट्रेलर को? मैं इसको 2.5 ही दूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं दूंगी। ओके, थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा, जिसमें कुछ है तो नया कुछ देखने को मिला, नया सीखने को मिला, ये हमें आगे कुछ प्रेरणा देगी, बहुत अच्छी मूवी है, वेरी नाइस। ओके, इस टाइप की स्टोरी बननी चाहिए, समाज में कुछ सुधार होंगे। हाँ, बरोबर 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 ओवर होगा, बहुत अच्छा लगा, आगे कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा, ऐसा होना ही चाहिए। ओके, इसमें एक्ट्रेस प्रिया मणि की आपको परफॉर्मेंस कैसी लगी, सत्यदीप मिश्रा की परफॉर्मेंस कैसी लगी? जी बहुत अच्छा, अच्छी लगी। जी 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 जी, उन्होंने जो रोल प्ले किया उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अच्छा है, दिखने जाएगा तो बहुत बढ़िया है, आगे कुछ अच्छा ही रहेगा। हाँ, तो इससे कुछ ना कुछ हम लोग को जरूर सीखने को मिलेगा, हमें आगे ऐसा उम्मीद है। हाँ, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। ओके, फिर देखने के बाद ये जो ट्रेलर है पूरी पिक्चर देखने का भी इंतजार रहेगा। ओके, सो पूरी वेब सीरीज आप देखने के लिए एक्साइटेड हो? जी 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 जी, 25 अप्रैल को। जी ओके, सो ऑडियंस को भी ये देखनी चाहिए? बिल्कुल देखनी चाहिए। सो आप क्या कुछ पर्सनली फील करते हैं इसको देखकर? ये मूवी आएगी हमें देखने की चाहिए, देखनी पड़ेगी, देखेंगे, बहुत अच्छा है ये, और देखेंगे तो कुछ ना कुछ आगे मिलेगा, ज्ञान सीखने को मिलेगा, क्या अच्छा है क्या खराब है, हम देखेंगे, बहुत अच्छा है। okay. इंतजार रहेगा 25 को। ओके, तो आप कितने पॉइंट्स देंगे 5 में से इस ट्रेलर को? इसको हम 4 पॉइंट देंगे। 4 पॉइंट देंगे जी। थैंक यू। सो ये जो स्टोरी की ट्रेलर आ गई है, आपको कितना पसंद आया? मुझे तो बहुत पसंद आया, बाकी लोग को भी देखना चाहिए, क्योंकि उस स्टोरी में जो है ना कुछ पता चलता है कि आगे जो मैरिड लोग उन लोगों को तो और ही देखना चाहिए। ओके, जिस तरह से इस स्टोरी में कुछ अलग कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, सो ऐसा समाज में एक्सेप्टेबल है क्या लगता है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ। ओके, ये जिस तरह से एकता कपूर ने ये नया कॉन्सेप्ट लाया डायरेक्शन वाइज या फिर पूरी स्टोरी वाइज, आपको कितनी पसंद आई ये ट्रेलर? मुझे तो बहुत पसंद आई, बाकी लोग को भी पसंद आई, बाकी लोग भी देखना चाहिए स्टोरी को। ओके, जैसा कि आप बोल रही है देखना चाहिए, सो एक्टिंग के बारे में क्या बोलना चाहेंगी, प्रिया मणि की एक्टिंग और सत्यदीप मिश्रा जो निभा उन लोग की एक्टिंग तो इतनी अच्छी है, मुझे तो बहुत पसंद आई एक्टिंग। आपको बहुत पसंद?
पसंद आए। हाँ बहुत। ओके सो 25 अप्रैल को ये रिलीज होने वाली है, सो आप देखने के लिए एक्साइटेड हैं इस वेब सीरीज को? हाँ देखने के लिए 25 तारीख का इंतजार कर रही हूँ कि कभी स्टोरी रिलीज होगी करके, बहुत अच्छी स्टोरी है। ओके सो आप देखोगे? हाँ देखोगी। और सबको देखनी चाहिए ऑडियंस? देखनी चाहिए, बिल्कुल देखनी चाहिए। आप कितना स्टार दोगे इस ट्रेलर को? मैं 5 में से 4 स्टार। ओके थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। सो आपको कैसी लगी ट्रेलर हिज स्टोरी की? नाइस था, अच्छा था, देखने लायक था, समाज के लिए अच्छा है और क्या कहते हैं पब्लिक को देखना चाहिए इसको। ये जिस टाइप की स्टोरी है, न्यू कॉन्सेप्ट है, सबको देखना चाहिए, आपको पसंद आई? हाँ अपने को पसंद आई है, ये सबको देखना चाहिए, स्टोरी भी अच्छी है, समाज के लिए है, बढ़िया है। मतलब कुछ बदलाव लाएगी समाज में? हाँ अभी आदमी के ऊपर है, स्टोरी तो अच्छी है, देखने लायक है। ओके। अपने अपने सोच के ऊपर है। ओके सो प्रिया मनी और सत्यदीप मिश्रा की एक्टिंग परफॉर्मेंस के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, कैसी लगी आपको? अच्छी थी, अच्छी है और देखने लायक है, है और क्या कहते हैं देखने पे अच्छी भी लगेगी पब्लिक को, देखने लायक खूबसूरत है। ओके ओके सो आपसे जानना चाहूँगी कि आपको ट्रेलर कितना पसंद आया, 5 में से आप कितना पॉइंट देंगे? 4 पॉइंट देंगे। तो आप 25 तारीख को ये रिलीज होने वाली है वेब सीरीज, तो आप पूरी वेब सीरीज देखना पसंद करेंगे? जी जी। ऑडियंस को ये वेब सीरीज देखनी चाहिए? जी देखनी चाहिए। देखनी चाहिए जी। थैंक यू। आपको ट्रेलर कैसी लगी हिज स्टोरी की? बहुत सही है, ये समाज में कुछ सुधार ला सकता है, क्योंकि स्टोरी जो उन्होंने जो लिखी है हाँ। वो हिसाब से तो मुझे लगता है कि ये मतलब बहुत पॉपुलर हो जाएगा ये सीरीज़ भी, और चलेगा बहुत, और आप लोग भी देख लीजिए एक बार, क्योंकि मुझे तो एकदम ट्रेलर एकदम ढांसू लगा है, तो बहुत सही जाएगा ये। और मैं इनको 5 स्टार तो दे सकता हूँ आराम से। यस परफॉर्मेंस की बात की जाए एक्ट्रेस और एक्टर की, प्रिया मनी इसमें जो रोल निभा रही हैं और सत्यदीप मिश्रा, उनके बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? सत्यदीप मिश्रा का एक्टिंग तो एकदम सुपर ही रहता है हमेशा का, और जो प्रिया मैम है उन्होंने भी अच्छा काम किया है इसमें, उनका भी काम अच्छा देखने लायक है, तो आप ज़रूर देखिए सब लोग पब्लिक। ओके सो इस टाइप की स्टोरी समाज में सुधार लाएगी? यस मैम डेफिनेटली, और इस टाइप की स्टोरीज भी आना चाहिए इसके बाद भी, क्योंकि इसमें से ही अपने को मतलब समाज सुधार सकता है, ऐसा है तो इट्स बेटर। ओके सो आप कितने एक्साइटेड हो इस वेब सीरीज को देखने के लिए? या मैं तो अभी गिनी दिन रहा हूँ, हाँ। तो देखते हैं अभी 21 अप्रैल को जो आ रही है, सॉरी 25 अप्रैल को जो आ रही है, तो जरूर मैं देखूंगा और आप लोग भी देख लीजिए एक बार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो मैम आपको कैसी लगी हिज स्टोरी की ट्रेलर? मैम ये मुझे बहुत अच्छा लगा देखने में, और ये मैं सभी को बोलना चाहूँगी कि ये सभी देखें, क्योंकि ये क्या है ना, देखिए अभी क्या है लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, अभी हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है देखने के लिए फिलहाल, अगर हम ये देखते हैं तो समाज के लिए और सॉरी कट हाँ अपने थिंक के लिए बढ़िया ही है मूवी, बहुत अच्छी है। अच्छी लग रही है आपको? यस मैम मुझे बहुत अच्छी लग रही है वेब सीरीज। ओके अगर परफॉर्मेंस वाइज पूछा जाए प्रिया मैम की एक्टिंग या फिर सत्यदीप मिश्रा की एक्टिंग कैसी लगी है आपको? मुझे प्रिया मैम की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी मैम। अच्छी लगी आपको? हाँ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आप एक्साइटेड हो इस वेब सीरीज को देखने के लिए, 25 अप्रैल को आ रही है? हाँ यस मैम मैं देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ऑडियंस को इस टाइप की स्टोरी देखनी चाहिए? ज़रूर मैम यस मैम ये सभी को देखना चाहिए, एंड नहीं होगा तो अपने फ़ोन पे या थिएटर तो अभी बंद है राइट हाँ, तो आप देख सकते हैं, सभी देख सकते हैं, सीरीज सभी के लिए बहुत बेस्ट है और बहुत अच्छी मूवी है, सीरीज है सॉरी। हाँ सो आप कितने पॉइंट्स देंगे इस ट्रेलर को? मैं तो पॉइंट्स इसको तो 5 में से कितने देंगे आप? 5 में से मैं 5 दूंगी, 5 दूंगी। हाँ 5 दूंगी मैं। ओके थैंक यू। सो मैम आपको कैसी लगी हिज स्टोरी की ट्रेलर? अच्छी है, ट्रुथ है, इट्स गुड। आपको पसंद आई है जो न्यू कॉन्सेप्ट ला रही है मैम? हाँ अच्छा है, मीन सबको पता चलना चाहिए कि ठीक है परफेक्ट फैमिली भी होती है, बट परफेक्ट फैमिली के पीछे एक लाइफ भी होता है, सो इट्स गुड। अगर परफॉर्मेंस वाइज पूछा जाए सो एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस और एक्टर का परफॉर्मेंस कैसा लगा, प्रिया मनी जी का एक्टिंग और सत्यदीप मिश्रा की एक्टिंग कैसी लगी? एक्टिंग तो अच्छी है, बट अभी पूरा देखने के बाद ही पता चलेगा। सो आप देखने के लिए एक्साइटेड हो इस वेब सीरीज को? या श्योर। सो इस टाइप की स्टोरी समाज में कुछ चेंज लाएगी, जिस टाइप की ये दिखाई? यस श्योर। दिखानी चाहिए इस टाइप की न्यू? दिखानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वाइफ लोग रहते हैं जो अपने हस्बैंड पे बहुत ट्रस्ट रखते हैं, सो दे शुड नो दैट कि इसके पीछे भी एक वजह होती है,
या कुछ और एक लाए होता है। ओके सो आप पर्सनली क्या सोचते हो कि इस ट्रेलर के बारे में, इस टाइप का ये कॉन्सेप्ट है? अच्छा है, पता चलना चाहिए लोगों को। पर्सनली ऐसा कुछ नहीं, बट हाँ हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ होता है। परफेक्ट के पीछे अनपरफेक्ट भी रहता है, तो वैसे ये सबको पता चलना चाहिए। ओके, सो 5 में से आप कितने स्टार दोगे इस ट्रेलर को? अभी तो मैंने सिर्फ ट्रेलर देखा है, तो आई विल लाइक टू गिव 4। ओके, और पूरा वी सीरीज देखने के बाद पता चलेगा दैट इट विल बी अ 5 or 4 के नीचे रहेगा। ओके, सो वेब सीरीज देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हो? 25 अप्रैल को आ रही है ये। Sure, मैं फर्स्ट जैसे ही आएगा मैं वैसे ही देखूंगी। 25 अप्रैल को ही मैं ये वॉच सीरीज देखूंगी। ओके, सो आपसे जानना चाहूंगी ऑडियंस को भी ये सीरीज देखनी चाहिए? या सबको देखनी चाहिए, सब स्पेशली वुमेन्स को देखनी चाहिए ये सीरीज। थैंक यू। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।